सीएम साहब आ रहे हैं सिरसा नायब सैनी, तो हम सब डाणीवासी कल 8 बजे सिरसा में उनको काला झंडा दिखाएंगे। और आप सबसे भी अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हमारा सहयोग करें, क्योंकि सभी को नमस्कार। जितने भी हमारे साथी सहयोगी हमारी बात को सुन रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले करीब 2 महीने से हम डाणी ज्ञानदीप के जितने भी निवासी हैं धरने पर बैठे हैं अपनी बिजली और पानी की मांगों को लेकर। हमने 13 जून को डीसी का घेराव किया था, आप सब ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि आपका काम 10 दिन बाद शुरू कर देंगे। हमने 12 दिन निकल जाने के बाद फिर चोपटा तहसीलदार के सामने फिर दोबारा से अपना आंदोलन लेके वहां पर गए। तहसीलदार साहब हमारे बीच में भी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपका काम जल्द हो जाएगा, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ, ना ही अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी आई हमारे पास कि ये काम आपका होगा या नहीं होगा। इसलिए कल सीएम साहब आ रहे हैं सिरसा नायब सैनी, तो हम सब डाणीवासी कल 8 बजे सिरसा में उनको काला झंडा दिखाएंगे। और आप सबसे भी अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये सरकार एक तरफ तो जहां पर सुनवाई करने के लिए ये ढोंग रच रही है कि हम आपके काम करने के लिए आपके बीच आ रहे हैं, दूसरी ओर बार बार चक्कर लगवाने के बाद भी इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो हमारी इस मुहिम को तेज करने के लिए आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 8 बजे पंचायत भवन सिरसा पहुंचकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें और जीत सकें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 महीने में 50 डिग्री से क्रॉस टेम्परेचर में भी हम यहाँ लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, और एक साथी हमारे बीच ऐसा था जिसकी जान भी चली गई लेकिन सरकार फिर भी नहीं जागी। तो हम बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। कल हमने लास्ट ये फैसला लिया है कि हम सीएम नायब सैनी को काले झंडे दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा उनका विरोध करेंगे। आज डाणी ज्ञानदीप धरने पर जितने भी किसान साथी बैठे हैं, सब ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि जब तक डाणी ज्ञानदीप की बिजली और पानी की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक सरकार का हर कदम पर विरोध होगा। और कल मुख्यमंत्री महोदय सिरसा आ रहे हैं और सरकार संवेदनहीन बनी हुई है इस मुद्दे के प्रति, या कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए कल सुबह 8 बजे पंचायत भवन सभी किसान साथी सैकड़ों की संख्या में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जी का विरोध करेंगे। हाँ जी, सबको भाइयों राम राम। सरकार के राम रमी कर, हमारे से दुख की बात है, एक शहीद हो गया हमारा मुंह और जानने तैयार हो रहा है, सारा बीमार हो रहा है, न बिजली है न पानी है। सरकार आश्वासन दे रही है कि बोले हम आपके साथ है, आपके साथ है, किसी को बोलते हम आपके साथ हैं, हमारा साथ कोई भी नहीं दे रहा। हम क्या करें, यहाँ पर बैठे हैं, जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और धरना नहीं है यहाँ से उठाएंगे।